बड़ी खबर, यूपी में मिशन वैक्सीनेशन होगा तेज। कल से 75 जिलों में 18 से अधिक लोगों को लगेगा टीका। हर प्रभावी कदम उठा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। लगातार अस्पतालों और कोविड सेंटर्स का कर रहे निरीक्षण। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से लगातार वैक्सीनेशन को लेकर ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द सभी को टीकाकरण सभी का हो जाए, इस पर जो है सबसे ज्यादा सतर्क नजर आ रही है सरकार। वहीं इसी को लेकर 75 जिलों में 18 से अधिक लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य सीएम योगी आदित्यनाथ ने तय किया है। कल से इन 75 जिलों में 18 से अधिक लोगों को लगेगा टीका। मैं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज खान जुड़ चुके हैं। शहबाज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, 75 जिलों में टीकाकरण का अभियान चालू कर दिया है, इसको लेकर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना की जो दूसरी लहर थी वो कहीं ना कहीं अफसरों की जो लापरवाही के चलते उत्तर प्रदेश में काफी हद तक फैल गई थी। उसके बाद सीएम योगी एक्शन में आते हैं, सीएम योगी लगातार जो है कोविड सेंटर्स का, अस्पतालों का निरीक्षण करते हैं, अधिकारियों से लगातार टीम नाइन के साथ बैठक करते हैं। बैठक तेज करने के साथ ही साथ वो हर प्रभावी कदम उठाते हैं जिससे कोरोना की जो लहर है वो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखाई दे रही है। जब एक वक्त था कि 1 लाख करीब मरीज महीने भर में आ रहे थे, लेकिन अब जो मरीजों का जो आंकड़ा है वो यूपी में तेजी से कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2000 से भी कम जो है वो यूपी में केस रह गए हैं। तो जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा जो हर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर सीएम योगी ने वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया है। सीएम योगी ने जो उत्तर प्रदेश में 1 जून से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों की वैक्सीन जो है वो तेजी से हर राज्य के नोडल अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि आप वैक्सीनेशन पे जो है वो जोर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें। तो आपको बताना चाहूंगा कि टीम नाइन की जो बैठक हुई थी 25 तारीख को, उसमें सीएम योगी ने ये पहले ही निर्देश दे दिए थे कि ये जो यूपी में मिशन वैक्सीनेशन को तेज करें और 18 प्लस लोगों को, 18 से 44 का जो आयु वर्ग है उनको जो है ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाएं। और आपको बताना चाहूंगा कि जब कोरोना का जो केस जो यूपी में बढ़ रहे थे, तो सीएम योगी ने यहां पर T3 नीति जो है वो लागू की थी, ट्रेस टेस्ट और ट्रीट। इस नीति का, सीएम योगी की जो ये नीति है वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हुई और उत्तर प्रदेश में अब जो संक्रमितों की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं 2000 से नीचे आ चुकी है। तो सीएम योगी लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि वो चाहे वो नोएडा हो, गाजियाबाद हो, मुरादाबाद, जिन जिलों में मरीजों की जो संख्या थी ज्यादा थी, उन्होंने उस जिले का जायजा लिया, वहां पर नोडल अधिकारियों से मिले, वहां के संबंधित अधिकारियों से मिले, मेडिकल ऑफिसर से मिले। तो सीएम योगी लगातार उनसे मिलकर उन दिशा निर्देश जो थे वो देते रहे। सीएम योगी भी मालूम हो सबको कि जैसे कि सबको पता है वो भी कोरोना पॉजिटिव हुए थे। जब कोरोना से वो पूरी तरीके से उभर कर आए और उसके अगले ही दिन उन्होंने DRDO हॉस्पिटल जो सेना का यहाँ पर बना हुआ वहाँ का दौरा किया, तो लगातार जिस तरीके से उन्होंने प्रभावी कदम उठाए हैं। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ ग्राउंड लेवल पर उतर कर लगातार जायजा भी ले रहे हैं तमाम तैयारियों का, लेकिन ये 75 जिलों में जहाँ पर टीकाकरण हो रहा है, क्या इसकी कोई तैयारियां की गई है? तो किस कदर, किन चरणों में होगा टीकाकरण, इसको लेकर कुछ जानकारी हासिल हो पा रही है? योगी ने जो टीम नाइन की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि जिन 18 से 44 वर्ष आयु के लिए कोरोना वैक्सीन का इंतजाम किया जाए, जिलों में जारी कोशिशों के जो सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे और इसके टीकाकरण जैसे जैसे ज्यादा होगा, कहीं ना कहीं जो पॉजिटिविटी है लोगों का, जो तेजी से संख्या बढ़ रही थी, उसमें कहीं ना कहीं कमी होते हुए दिखाई देगी। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये सबसे ज्यादा जोर दिया है अपनी टीम नाइन की बैठक में, ये जैसे कि सामने आ रहा है। खान जी, रजिस्ट्रेशन को लेकर किस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन लोगों के नहीं हो पा रहे हैं, तो जो ये लक्ष्य रखा गया है 75 जिलों में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट लोगों को करने का, वो किस तरह से सफल होगा? क्योंकि वैक्सीनेशन की जो टाइमिंग है या उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो एक समय निर्धारित किया गया था, उसको लेकर भी लोग अभी तक अनजान है, कहीं ना कहीं लोग रजिस्टर नहीं करवा पा रहे अपने को, तो इसको लेकर क्या सरकार इस ओर कुछ कार्य करने वाली है?
जी बिल्कुल, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन की कमी आ रही है वहाँ पर, जहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है या लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसको लेकर कई तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, लोगों के मन में भी डर है। अभी बाराबंकी से भी एक तस्वीर आई थी कि वहाँ जब वैक्सीन वैक्सीनेट करने पहुंची, जो वैक्सीनेशन की जो टीम थी वो पहुंची जब वहाँ पर, तो लोग जो है वो नदी में कूद गए। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक डर डर भी बैठा है, और ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर ग्रामीण लोगों में ये भ्रांति ज्यादा फैली हुई है कि अगर हम वैक्सीन लगाएंगे तो हम मर जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर भी एक तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, तो उससे ये भी एक बहुत बड़ी उत्तर प्रदेश सरकार के सामने एक चुनौती है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ये जो टीकाकरण अभियान जो चलाने जा रही है उसको सफल कैसे बनाएगी। तो ये बूथ बनाने का जो फैसला लिया गया है, इसकी जिम्मेदारी जो है वो निचले स्तर पर नोडल अधिकारियों को और इन सब लोगों को दी गई है। टीम 9 की जो बैठक हुई उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन कराने के लिए जो गाइडलाइंस दी गई हैं वो साफ तौर पे यही बोला गया है सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा कि महत्वपूर्ण हो गया है कि जिन जिलों में 600 से अधिक केसेस हैं उनको पहले जल्द से जल्द वैक्सीनेट किया जाए। क्या ऐसा भी कुछ गाइडलाइन जारी की गई है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो 20 जिले हैं जिनमें कोरोना के केसेस लगातार सामने आ रहे हैं और 600 से अधिक है, अनलॉक की प्रक्रिया भी वहां पर नहीं शुरू हुई, तो वहां पर पहले चरण में वैक्सीनेट किया जाएगा? नहीं, तीसरी लहर की जो आशंका जताई जा रही थी कि तीसरी लहर जो है वो बच्चों को लेकर कहीं ना कहीं हानिकारक साबित हो सकती है और बच्चों में ये फैल सकती है, जिसको देखते हुए टीकाकरण अभियान जो है वो तेज करने पे जोर जो है वो दिया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ, आपको बताना चाहूंगा कि वो लगातार मीडिया के माध्यम से, अपनी बैठक के माध्यम से ये संदेश जारी कर रहे हैं कि जो तीसरी लहर है उसके लिए कहीं ना कहीं यूपी जो है वो तैयार तैयार हो चुका है, और जिन जिलों में 600 से ज्यादा एक्टिव केस हैं वहां पर तेजी से वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है उसको प्रभावी तौर से लागू करने के भी उन्होंने आदेश दिए हैं अलग से। क्योंकि मालूम हो कि सरकार द्वारा जो नई गाइडलाइंस दी गई हैं उनमें अभी 20 शहर ऐसे हैं जहां पर कोरोना के केस ज्यादा हैं, तो जिन 20 शहरों में शहराज खान, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए महत्वपूर्ण वर्तमान में प्रदेश में जो वैक्सीनेशन मिशन है उसको चालू किया गया है। मैं आपको बता दूं, राज्य सरकार ने 1 मई से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए पहले चरण में सबसे अहम जो माने जा रहे हैं वो लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, मेरठ और बरेली जिले में टीकाकरण अभियान शुरू किया गया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में 10 मई से राज्य के सभी नगर निगम वाले 17 जिलों मुख्यालयों समेत गौतम बुद्ध नगर जिले और कुल 18 जिले में टीकाकरण शुरू किया जाएगा। तीसरे चरण में 23 जिलों तक जो टीकाकरण अभियान है वो लागू किया जाएगा। इस तरह से चरण बांट दिए गए हैं जिसको लेकर जो अब ये अभियान है वो चालू होगा, और इस पर किस तरह से आगे पहल की जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो सरकार को उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आदेश निर्देश पारित करने होंगे कि लोगों को टीकाकरण को लेकर और जो भ्रम फैले हुए हैं, जो भ्रांतियां लोगों के अंदर ग्रामीण इलाकों में खासकर जो फैली हुई है उनको दूर करने का भी कार्य किया जाएगा। वही अगली बड़ी खबर इस वक्त की अलीगढ़ से सामने आ रही है। अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला जारी। कल रात 68 से अधिक शव पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे। पीएम हाउस पर 10 से अधिक शवों का हो चुका है अंतिम संस्कार। तो अलीगढ़ में लगातार जो जहरीली शराब से मौतों का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से क्या पिछले 2-3 दिनों से लगातार आंकड़े में वृद्धि दर्ज की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अलीगढ़ को जहरीली शराब का सिंडिकेट भी माना जाता है। पीएम हाउस पर देर रात इस पर चर्चा भी हुई। 10 से अधिक शवों का अभी तक अंतिम संस्कार किया जा चुका है, तो इसको लेकर अलीगढ़ में लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं कई सवाल भी उठ रहे हैं कि जहरीली शराब से जो मौतों का आंकड़ा है वो क्यों इस कदर बढ़ता जा रहा है और क्यों इस पर सरकार लगाम लगाने में फेल साबित हो रही है। वहीं अगली बड़ी खबर इस वक्त की बलरामपुर से सामने आ रही है। शव नदी में फेंकने के मामले में 2 युवक गिरफ्तार। कोरोना संक्रमित का शव नदी में फेंकने में हुई गिरफ्तारी, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के जरिए किया गया गिरफ्तार।
तो आप, कल हमने ये खबर प्रमुखता से चलाई थी कि बलरामपुर से ये वीडियो वायरल हुआ था, मैं आपको बता दूं, जहां पर ये दो लोग जो हैं वो कोरोना प्रोटोकॉल्स के तहत पीपीई किट पहने हुआ है एक आदमी और एक ने नहीं पहनी हुई है, वहीं शव पूरी तरह से पैक है, उसको नदी में फेंकते, याप्ती नदी में फेंकते नजर आए थे। उसके बाद इस वीडियो के संज्ञान में आते ही पुलिस वालों की उन्होंने कार्रवाई की, जिसके तहत इन्होंने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर जानकारी देने के लिए शहबाज खान जुड़ चुके हैं। शहबाज, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है, किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, और क्या उन युवकों द्वारा कुछ सामने आई कुछ चीजें कि वो क्यों इन शवों को याप्ती नदी में फेंकने को मजबूर हुए? शहबाज, आपको आवाज आ रही? तो मैं आपको बता दूं, कोरोना संक्रमित का शव नदी में फेंकने पर हुई गिरफ्तारी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा था जिसके जरिए ये गिरफ्तारी की गई है। वहीं एक बार फिर एक हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज खान जुड़ चुके हैं। शहबाज, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि गिरफ्तारी की गई है, कल वीडियो संज्ञान में आया था उसके बाद गिरफ्तारी की गई, किस आधार पर यह गिरफ्तारी की गई है सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, और क्या पीड़ितों की तरफ से जो दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया कि वो इस तरह का कृत्य क्यों कर रहे थे? देखिए, सबसे पहले बताना चाहूंगा कि बलरामपुर की जो घटना थी, शनिवार दोपहर की घटना थी, और जो परिजन थे वो शव को फेंकते हुए राप्ती नदी में नजर आए थे, तो इस खबर को कहीं ना कहीं प्राइम टीवी द्वारा जो है वो पूरी प्रमुखता से दिखाया गया था, और उस वीडियो का संज्ञान लेते हुए एसपी द्वारा कार्रवाई के आदेश दिए गए थे, जिसके बाद इसमें बताना चाहूंगा कि भतीजे को, जो भतीजे थे मृतक के, उनको और सफाई कर्मी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जैसा कि आपको पता है कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ये पूरी बॉडी थी उनको दी गई थी, हॉस्पिटल का साफ तौर पर ये कहना है कि कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत ही परिजनों को जो डेड बॉडी थी वो सुपुर्द की गई थी, लेकिन जो परिजन थे उन्होंने डेड बॉडी को जलाए बिना उन्होंने गंगा नदी में प्रवाहित करना सही समझा। जैसे कि उत्तर प्रदेश में ऐसी कई तस्वीरें जो है वो सामने आ चुकी हैं, इस दौरान कोरोना की जो दूसरी लहर थी ये पहला केस नहीं है, ऐसी भी कई घटनाएं इससे पहले भी कई घटनाएं जो हैं वो आ चुकी हैं। तो ये जो घटना पूरी बलरामपुर के राप्ती नदी पर जो बने सिसई घाट पुल की है, और वहां से एक वीडियो जो एक युवक ने कार से बैठे युवक ने एक ये वीडियो बनाया था, हालांकि पुलिस जो है वो उस युवक की भी तलाश कर रही है जिसने ये वीडियो बनाया था, ताकि इससे और जानकारी जो है वो मिल सके, लेकिन फिलहाल अभी पुलिस के पास उस वीडियो बनाने वाले का कोई सबूत नहीं है, या कि ये यूं कहें कि अभी वो वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बलरामपुर से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे थे, जहां नदी में फेंकने को परिजन मजबूर हुए शव को, उसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना प्रोटोकॉल्स के तहत ये भी सुनिश्चित किया गया था कि अब शवों को नदी में नहीं फेंका जाएगा, उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा, इसके बावजूद जब इस तरह का कृत्य सामने आया तो पुलिस ने तत्काल प्रभाव से एक्शन लेते हुए इन दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।